सो तनु भी स्कूल से अब आ चुकी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सबसे पहले तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इतने दिनों से व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए मैं व्लॉग्स को अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट नाउ द गुड न्यूज़ इज़ माई बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर नाउ एंड नाउ आई एम फ्री। मेरे हॉलीडेज़ हो चुके हैं और अब मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आ सकें। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैंने आज ब्लॉग थोड़ी लेट स्टार्ट किया है बिकॉज़ परसों ही तो मेरे बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हुए थे और कल पूरा दिन मैं आराम किया। कल पूरे दिन मैं थका हुआ था और आज भी थोड़े देर हो गई ब्लॉग स्टार्ट करने में। बाय द वे, मैं नहा धोकर रेडी हो चुका हूँ और तनु भी स्कूल से आने वाली है बिकॉज़ तनु की हॉलीडेज़ अभी हुए नहीं है। तनु के हॉलीडेज़ होने में अभी टाइम है, आई थिंक 23 से उसके भी हो जाएंगे। सो गाइज, आज का ये जो ब्लॉग है ये ब्लॉग थोड़ा सा कॉमेडी टाइप होने वाला है बिकॉज़ बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। आई थिंक पता नहीं लास्ट मैंने कब अपलोड किया था, जब बहुत दिनों के बाद आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो ये व्लॉग थोड़ा कॉमेडी टाइप होगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। गाइज, मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो अच्छे से अच्छी बन सके। बाकी मैं आपको इसका सिर्फ एक टॉपिक का नाम बता सकता हूँ जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बोर्ड एग्ज़ाम्स। गाइज, बोर्ड एग्ज़ाम्स के ऊपर आज हम बोलेंगे, कॉमेडी करेंगे। तो तनु भी स्कूल से अब आ चुकी है। तनु, कैसा रहा आज स्कूल में दिन? बढ़िया। आजकल ना तनु के दिन बहुत अतरंगे जा रहे हैं। कल कल तनु के स्टिक्स लगी थी और परसों तनु के स्लैप्स लगे थे। आज पता नहीं क्या हुआ होगा, पूछेंगे बाद में। गाइस, आज का दिन सही रहा। आज स्कूल में कुछ पिटाई वटाई कुछ खास हुई नहीं, बहुत ही तो मज़ा आ जाता। बट शी इज स्टिल अपसेट बिकॉज शी डिडेंट गेट द आइसक्रीम, यू कैन सी। अभी थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे और अपनी जो कॉमेडी वीडियो है उससे उसकी शूटिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर में बस खाना खाने के बाद चलते हैं। तो गाइस, खाने में बनी है कढ़ी, तो मस्त खाते हैं। सो हमारा लंच तो अब हो चुका है, अब हम शूटिंग शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई वीडियो। सो दिस इज़ अबाउट बोर्ड एग्ज़ाम्स। मैं अभी अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स लेकर आया हूँ, तो मुझसे बेटर कोई नहीं जानता होगा, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आप जल्दी से आ जाइए, जो नहीं आया है उनको बुला कर लाइए, जल्दी से भाग कर बिल्कुल इस तरह। सो गाइस, जब से कोरोना आया ना, कोरोना ने बिल्कुल मज़े दिला दिए यार, मतलब बोर्ड एग्जाम से भी। सो हमारी टू टर्म्स है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, उसमें से 50% फर्स्ट टर्म आया, 50% सेकंड टर्म में। सो कोरोना बिल्कुल मज़े दिला दिए। और अगर आज आप पूछोगे ना कोरोना से बच्चों के बारे में, तो बच्चों का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस था अपने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था इंग्लिश का, आई थिंक इंग्लिश का ही था, जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। और जब वो एग्ज़ाम मेरा हो गया तब ऐसा। और फिर उसके बाद एआई का आया। एआई का मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन रिएक्शन एआई का एग्जाम देने के बाद ऐसा था। और फिर आया मैथ का एग्जाम। मैथ का एग्जाम से तो पहले से डर था, और एग्जाम देने के बाद रिएक्शन ऐसा हो गया। और अब एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो कि आपने सब कुछ पढ़ा बोर्ड एग्जाम के बारे में और वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको दिख जाए, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। गाड़ी गाड़ी। और अगर वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ना दिखे, आप सब कुछ पढ़ के गए, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, तो आपका रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसा होता है।
जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे होते हैं। और गुस्सा तो तब आता है तब आप पूरे दिन पढ़ो मेहनत करो कि शाम के वक्त थोड़े से टाइम के लिए टीवी देख रहे हो और उस वक्त ही पापा आ जाए डांटे तुम्हें कि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं पढ़ ले तो फिर कुछ रिएक्शन ऐसा होता है। और मानो आप पूरे दिन पढ़कर थक चुके हो आपने कुछ भी करने की ताकत नहीं बची है आप बस सोना चाहते हो और तभी टीवी पर आपकी फेवरेट मूवी आ रही हो एक्शन वाली तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। और तब मेरा SS का एग्जाम था तब मेरा रिएक्शन पहले से ही कुछ ऐसा था। बोर्ड एग्जाम के आने के एक महीने पहले ही जबरदस्त तैयारी शुरू हो जाती है और आप लगातार पढ़ते रहते हो। कई लोग तो ऐसे हैं पूरी रात भर पढ़ते हैं और सुबह को उनका चेहरा ऐसा होता है। रात भर पढ़ कर जो बुक्स को ना ऐसे भूलते रहते हैं लेकिन उन्हें समझ कुछ नहीं आता। जो पूरी रात भर जाकर पढ़ाओ सुबह को उनका चेहरा अजीब सा हो जाता है और फिर वो लोगों को ऐसे आंसर करते हैं। और फिर जो लोग एक महीने से लगातार रात को पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के दिन उनका चेहरा ऐसा होता है। और फिर सपोज करो कि आप सब कुछ पढ़ कर गए हो लेकिन एग्जाम में कुछ भी नहीं आया जो आप पढ़ कर गए तो फिर एग्जाम से आने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। और कुछ कुछ बच्चों को तो बोर्ड एग्जाम का इतना टेंशन होता है ना कि रात को वो सोते भी नहीं है। ये देखो अब बात करते हैं साइंस के एग्जाम की। साइंस के एग्जाम में कितना भी किताब पढ़ते हो डाउट हमेशा रहता ही है और जब कुछ ना समझ आए ना तो चेहरा ऐसा हो जाता है। और बोर्ड एग्जाम में जब कोई बार बार डिस्टर्ब करता है ना यार पढ़ लो हर बात में डिस्टर्ब की पढ़ लो यार बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो फिर रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अब बात करते हैं हिंदी के एग्जाम की। हिंदी के एग्जाम से पहले तो मैं बिल्कुल एकदम ऐसे रेडी होकर गया था। और हिंदी के एग्जाम से आने के बाद भी मैं ऐसे था। और बोर्ड एग्जाम में जब जाते हैं ना सुबह सुबह एग्जाम देने के लिए तो चेहरा कुछ ऐसा होता है। और जब वहाँ से घर आते हैं या तो चेहरा ऐसा होता है या चेहरा ऐसा होता है। और जब लास्ट एग्जाम देने के बाद चेहरा छोड़ो हम ही ऐसे होते जिन लोगों के बोर्ड एग्जाम्स हो चुके हैं उन लोगों को तो यह समझ आ सकता है लेकिन जिनके अभी बोर्ड एग्जाम्स होंगे फ्यूचर में वो पहले ही समझ लें तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो एक लाइक तो कर दो यार ये देखो कितनी अच्छी शक्ल बनाकर आया है। एक लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और ये मेरी पहली कॉमेडी वीडियो थी आई होप अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी और भी वीडियोस आएंगी आगे आने वाली वीडियोस में आप चैलेंजेस भी करेंगे कुछ चैलेंज वीडियोस भी आने वाली हैं। अभी मेरा शूट जो है कॉमेडी वीडियो का वो ख़त्म हो चुका है और अभी फ़िलहाल 4 बज रहे हैं आधे घंटे मैंने सारा शूट ख़त्म कर दिया। अब देखते हैं कि वीडियो कैसी बनी होगी। फिलहाल अभी कुछ खाते हैं बहुत भूख लगी है और फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी 6 बजने वाले हैं शाम के। मैंने उस टाइम से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया लाइक मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर रहा था मैंने थंबनेल तैयार किया। अब शाम के 6 बज गए करते। अब बस थोड़ी देर में साइकिलिंग करूँगा फिर रात को खाना खा के सो जाएंगे फिर क्योंकि फिर मुझे एडिटिंग भी करनी है।
सो हेलो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और कल रात मैंने वीडियो को एंड नहीं किया था, तो मैं अब इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया। पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाय।